स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एवरी ईयर वन या टू क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस सिंपल होते हैं और बहुत ही फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम थ्योरी को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन एक देखिए 2002 का है। क्या क्वेश्चन है? इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट की क्लास है, देर आर 70 बॉयज, जिसमें 70 बॉयज़ हैं तो रिमेनिंग ऑब्वियसली गर्ल्स होंगी, 30 गर्ल्स। द एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, देर आर 70 बॉयज हुज एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, बॉयज़ का एवरेज मार्क्स दिया। एवरेज क्या होता है याद रखिएगा, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 70 बॉयज़ का आपको एवरेज दिया है, बॉयज़ का एवरेज दिया हुआ है 75, राइट? इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास का जो एवरेज है वो दिया है 72, देन वॉट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल्स? तो गर्ल्स का एवरेज बताना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए बॉयज़ का एवरेज मतलब 75 इक्वल टू कितने बॉयज़ हैं आप समझिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है, राइट? तो 75 इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 70। तो यहाँ से हमें बॉयज़ का टोटल मिलेगा 75 × 70, करिए ये हो गया 5 52 5 2 5 0, ये टोटल मार्क्स हैं बॉयज़ के। अब आपके पास ओवरऑल क्या दिया हुआ है, ओवरऑल क्लास का जो एवरेज है वो है 72। तो 72 ओवरऑल एवरेज है, मतलब 72 इक्वल टू समझिएगा, यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं 100, जिसमें गर्ल्स कितनी है 30, गर्ल्स हैं 30, इनका एवरेज प्लस 30 गर्ल्स का एवरेज प्लस 70 बॉयज़ जो हैं उनका एवरेज। तो 70 बॉयज़ का एवरेज कितना दिया है 75, जो हमने करके रखा हुआ है। इससे हमें डायरेक्टली सिग्मा मतलब गर्ल्स का एवरेज मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेशन कम करनी तो एक जीरो कम कर दीजिए, तो 3 × x̅ प्लस 7 × 75 बाय 10 क्या हो जाएगा, देखिए 720 इक्वल टू 3 × x̅ प्लस 7 × 75, राइट? तो 7 × 75 माइनस हो जाएगा, तो 3 x̅ इक्वल टू 720 माइनस 525, राइट? 525 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 195 इक्वल टू 3 x̅, तो x̅ हो गया 65, यानी गर्ल्स का जो एवरेज होगा वो 65 होगा। स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपके फॉर्मूले पे कमांड है, बेसिक क्लियर है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर लेंगे। बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखते हुए चलिएगा जिससे आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। नोट डाउन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन ऐसे a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9। देखिए मीडियन क्या होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, याद रखिएगा मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मतलब ये मिडिल मोस्ट वैल्यू हो गई। और जब भी मीडियन बताते हैं तो हम आइदर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशन में आपने 2 इंक्रीज कर दिया, राइट? अब इस 2 के इंक्रीज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू को बता रहा है जिस पे कोई चेंज नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, नो चेंज इन मीडियन, क्योंकि मीडियन ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज किए हैं 2, तो मीडियन जो था वो अभी भी वैसा ही रहा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो चेंज इन मीडियन। नोट डाउन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 15 ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स द फॉलोइंग रिजल्ट वर अवेलेबल, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2830, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 170, वन ऑब्जर्वेशन 20 वॉज फाउंड टू बी रॉन्ग,
एंड वॉज रिप्लेस बाय द करेक्ट वैल्यू 30 देन द करेक्टेड मीन। कई बार आपसे मिस रीडिंग मिस्टेक हो जाती है, आपने बाई चांस 30 को मिस रीड करके 20 करा, उससे आपका जो वेरियंस आ रहा था वो 15 ऑब्जर्वेशन का जो भी है, अब आपको बताना है करेक्टेड वेरियंस क्या होगा। सबसे पहले हम समझें कि वेरियंस ऑफ एक्स होता क्या है। 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। पहले ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और ध्यान रखिएगा यहीं पर एक चीज़ और कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कभी बोला जाए तो रूट ऑफ वेरियंस होता है। अब आपके पास केवल आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स निकालना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2830, ये गिवन है। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था जो कि 30 था, पर आपने बाय मिस्टेक 20 रीड कर लिया। इसका मतलब 20 का स्क्वायर हुआ 400 और 30 का स्क्वायर होता है 900। मींस होना क्या चाहिए था उसको, 2830 माइनस, पहले प्लस 900 कर ले और माइनस ऑफ 400 कर दीजिए। माइनस ऑफ 400 इसलिए किया क्योंकि 20 का स्क्वायर हो गया 400, 30 का स्क्वायर जुड़ना था तो वो जोड़ा और 400 माइनस कर दिया क्योंकि ऑलरेडी 400 ऐड हो चुका था यहाँ पर, तो ये 500 मिला। तो 2830 प्लस 500 मीन्स ये हो गया 3330, राइट। अब ये तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ही सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इस पर आप अगर ध्यान से देखें तो 20 की जगह 30 होना चाहिए, यानी 10 का चेंज आया एक तरह से। ऐसा सोचें, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 30 माइनस 20, तो 10 का चेंज आया तो 180। अभी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 1/15 3330 माइनस सिग्मा एक्स 1/80 बाय 15 का होल स्क्वायर, राइट। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 2 जा 3 ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 12 टाइम, 12 का स्क्वायर 144। सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर आ गया कितना, 78। तो न्यू वेरियंस जो होगा वो होगा 78, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, केवल क्योंकि हम लाइन से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉड कैन बी कंप्यूट फ्रॉम हिस्टोग्राम, ये बिल्कुल ठीक है। मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, दिस इज ऑल्सो राइट। वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा आप। तो 1 and 2 तो करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये प्रॉपर्टी है, आप एक काम जरूर करिएगा, जब स्टेटिस्टिक्स का रिवीजन करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज का जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, कई बार प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ देम इक्वल ए एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ देम इक्वल माइनस ए। मतलब एक सीरीज है 2n ऑब्जर्वेशन की जिसमें ए ए ए ए ऐसे n ऑब्जर्वेशन है सपोज, और रिमेनिंग जो है माइनस ए माइनस ए माइनस ए ऐसे n ऑब्जर्वेशन है, राइट। अब बोला है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2 देन मॉड ए क्या होगा। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी मैंने बताया था वेरियंस का स्क्वायर रूट, मतलब 1/n सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे अलग से इसका मीन पूछूं कि मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या होता है, मीन, अगर मैं इसको ऐड करवाऊं तो आधे पॉजिटिव है आधे नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्स बार जीरो हो गया। अब एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्क्वायर की बात करूं तो ये सब स्क्वायर होकर ऐड होंगे, ए स्क्वायर अप टू, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, यानी 2n टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, राइट, 2n टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर। और अब अगर इस फॉर्मूले में लगाऊं तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2n, याद रखिएगा, तो जनरल फॉर्मूला लिखा है इनटू 2n ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए 2n से 2n कैंसिल, तो 2 इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब रूट से निकली हुई क्वांटिटी मॉड ही होती है, तो मॉड ए इक्वल टू 2, तो करेक्ट आंसर इज 2। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत स्पीड में आप कर सकते थे, नो डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 and 22, मीन कितना दिया है 21, मीडियन दिया है 22, आपसे मॉड पूछा है, राइट। एक रिलेशन होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस। तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर लें,
3 मीडियन कितना दिया 22 माइनस 2 मीन इनटू 21 दिस इज 66 माइनस 42 इक्वल टू 24. तो करेक्ट आंसर इज 24. नोट डाउन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2005 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x3 अप टू xn बी n ऑब्जर्वेशन सच दैट सिग्मा xi स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड सिग्मा xi 80 देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n अमंग द फॉलोइंग. अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बतानी है. देखिए इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. इससे हम कंक्लूजन ऐसे दे पाएंगे कि ये अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. मतलब 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है. राइट, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया 400, तो 400 बाय एन ग्रेटर देन इक्वल टू 80 का स्क्वायर मतलब 6400 राइट अपॉन एन स्क्वायर. अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसको सॉल्व करो तो ये कम्प्लीटली कैंसिल. देखिए यहाँ पर एक तरह से ये आ जाएगा 4/n ग्रेटर देन इक्वल टू 64/n स्क्वायर मीन्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 16/n यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 16. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 18 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 16 या 16 से बड़ा. तो पॉसिबिलिटी पूछी है तो हम यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने यहाँ पर n का कंसेप्ट निकाला है. नोट डाउन. देखिएगा यहाँ पर 16 से बड़ा जो भी आंसर होगा वो ले सकते थे, 16 भी ले सकते थे, 16 से बड़ा टू आंसर नहीं देंगे, 16 से बड़े एक ही दिया तो क्या हो गया 18. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. क्या है, सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन 101 102 अप टू 200 एंड अनदर पॉपुलेशन बी हैज 100 ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है 151 152 अप टू 250 इफ वी एंड बी बी रिप्रेजेंट द वेरियंस ऑफ द टू पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली देन बी ए अपॉन बी बी. अब देखिए इसको आप समझिएगा, इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाइएगा आप, नहीं तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा. वेरियंस का फॉर्मूला हमारे पास, मैंने आपको एक लिखवाया 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल बाय एन का होल स्क्वायर. एक ये भी फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो याद रखिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दिस इज मीन का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बस वैल्यू चेंज है पर 100 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी है, 100 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी, या 101 से स्टार्ट है या 151 से स्टार्ट है. जब आप सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, क्योंकि मीन भी उसी रेशियो में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सेम आएगा, यानी बी ए अपॉन बी बी सेम आने से हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में डिफरेंस है. तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी अगर वेरियंस है तो स्क्वायर नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्क्वायर रूट होता. तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू आएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं 1:1. याद रखने वाला क्वेश्चन है, अगर कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो और वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ रही, जैसे ये भी देखिए 111 से बढ़ रही है, ये भी 111 से, बस ये 151 से पर एंड 250 पर, ये 101 से ये 200 पर, तो डिफरेंसेस सेम हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो, तो आप ध्यान रखिएगा वेरियंस हमेशा सेम आएगा, क्योंकि डिफरेंसेस सेम हो जाएगा और डिफरेंसेस सेम होने से वेरियंस सेम होने के वजह से रेशियो 1 आएगा. नोट डाउन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2007 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 52 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 42. बॉयज का एवरेज मार्क्स 52 है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 42 है. द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कम्बाइंड 50 देन द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास. अब एक काम करते हैं, बॉयज को हम ले लेते हैं एक्स, गर्ल्स को हम ले लेते हैं सपोज वाई. दोनों का एवरेज कितना दिया 50, तो 50 इक्वल टू 52 इंटू एक्स प्लस 42 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने एक्स प्लस वाई, 50x प्लस 50y इक्वल टू 52x प्लस 42y, 2x इक्वल टू 8y, तो x अपॉन y आ गया 4:1. 4:1 का मतलब हुआ कि अगर सपोज 100 हैं तो 4 पार्ट बॉय का होगा और 1 पार्ट गर्ल्स का होगा. 4 पार्ट मीन्स 80%, 1 पार्ट मीन्स 20%. तो यानी 80% जो हैं वो बॉयज़ होंगे. एक अप्रोच तो ये बताने का, एक अप्रोच और है कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लें, या x अपॉन अगर टोटल देखें x प्लस वाई तो कितना 4/5. तो 4:5 से भी हम पता कर सकते हैं, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप
तो ये आ गया 80%, राइट। कोई भी तरीके से बता सकते हैं, फोर पार्ट गर्ल्स का है और वन पार्ट, सॉरी फोर पार्ट बॉय का है और वन पार्ट गर्ल्स का, मीन्स 80% बॉयज होंगे और 20% गर्ल्स होंगी, नो डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2008 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द नंबर ए बी 8, 5 and 10 इज 6, मीन्स ए बी 8, 5 और 10 का मीन गिवन है 6, अगर मैं इनको ऐड करूं तो ए प्लस बी प्लस 8 + 5 + 10 बाय 5, ये हो गया 30, ए प्लस बी 15, 23, मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 7, राइट। अब ए प्लस बी 7 अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन ए प्लस बी 7 है, मतलब हमारा इतने में काम नहीं होने वाला। अब इसके अलावा बोला है एंड द वेरियंस इज 6.80, वेरियंस 6.80, वेरियंस क्या होता है, 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मीन। अब ये 6.80 है बाय 1/ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, अगर मैं बोलूँ इनका स्क्वायर करके ऐड करिए तो आप लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि मीन ऑलरेडी हमें 6 गिवन था, राइट। ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले, तो देखिए इसको ऐसा लिखिए 680 बाय 100 इंटू ये हुआ 5, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐड करिए, राइट, इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 125, 64 है ये, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 189, ये 5 जब आप यहाँ ले जाओगे तो ऑब्वियसली एलसीएम के साथ जाएगा, तो ये 180 हो गया, राइट। अब ये हो गया 5 से कैंसिल, तो 680 अपॉन 20 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 9, प्लस ऑफ 9 ये भी कैंसिल और ये 34, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 34, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, राइट। अब आप एक और काम कर सकते हो कि ऑप्शन से देखो कि 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 कौन सा देगा, तो केवल एक यही है जो कि जिनके स्क्वायर का सम 25 है, बाकी अगर और आगे करना होता तो ए की वैल्यू 7 माइनस बी रख के हम ए और बी भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर इस इक्वेशन पे आके ऑप्शन हेल्प कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर A3 और B4 ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसके साथ भी जाएगा ये और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2009 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर 1, 1+d, 1+2d, 1+100d फ्रॉम देयर मीन इज 225, मतलब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है 1/n समेशन x माइनस एक्स बार, ये 255 दिया हुआ है 1/n, अब ये काम आएगा अगर हम से नंबर ऑफ टर्म बोलें तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले अब हमें मीन निकालना चाहिए, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म, 1, 1+d, 1+2d, 1+100d बाय नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म देखो कैसे निकालोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 100 है, तो 100 तो यही हो गया प्लस 1 ही हो गया, तो 101, तो नंबर ऑफ टर्म है 101। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये एपी है, एपी के एन टर्म के समेशन का फॉर्मूला लगाएं, एन बाय 2 ए प्लस एल, तो अगर मैं ये लगाऊं तो एन मतलब 101 बाय 2, ए कितना है 1, एल है 1+100d अपॉन नंबर ऑफ टर्म, ये 101 से 101 कैंसिल, 2 निकल के कैंसिल, तो 1+50d, राइट, मीन आ गया 1+50d। अब इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 255 इक्वल टू 1/101 एक्स माइनस एक्स बार मीन्स 1, जैसे पहला क्या आएगा 1 और मॉड होता है, मॉड मतलब सब प्लस, 1 माइनस 1+50d, तो पहला मिलेगा 50d, राइट, फिर कितना मिलेगा 1+d, तो एक और डी कम हो जाएगा 49d, फिर कितना मिलेगा 49d के बाद 48d, राइट, आप ऐसे टर्म सेपरेट कर रहे हैं, इसको 1 सेपरेट किया तो 50d, 49d, 48d,
और लास्ट जब जाके आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा अगेन, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा भी आएगा, याद रखिएगा, 1 + 50d तो 0 हो जाएगा, और 0 के बाद फिर से d स्टार्ट होगा और अप टू 50d मिलेगा, राइट, बाय नंबर ऑफ टर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पूरा मॉड में होता है इसलिए प्लस कर दिया। अब देखिए आपके पास 1 से 50 तक का नंबर है, 1 से 50 और 1 से 50, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं सिग्मा एन क्या होता है, 1 + 2 + 3 अप टू 50 अगर हो तो 50 × 50 + 1 51/2 मीन्स 25 × 51 और ऐसा 2 times होगा, एक बार इधर का होगा और एक बार इधर का होगा, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 255 = देखिए कितना, 2 times ऑफ 25 × 51 × d तो आ गई अपॉन 101। अब देखिए इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 255 = ये हो गया 50 × 51 2550 / 101 × d, ये कैंसिल कम्प्लीटली, तो 10d/101 = 1, तो d = 101/10 मीन्स 10.1, नोट डाउन। एक बार फिर समझ लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन 255 दिया हुआ है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार, अच्छा यहाँ पर एक्स बार है 1 + 1 + d 1 + 2d अप टू 1 + 100d अपॉन 101, तो यहाँ से आपने एक्स बार के साथ किया तो 101/2, 1 + लास्ट टर्म से ऐड किया तो 1 + 50d मिला, और मीन डेविएशन के फॉर्मूले में एक्स माइनस एक्स बार से सेपरेट किया तो हमारा आंसर आ गया 10.1, टोटल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, नोट डाउन।